नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2023। तो आपको सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नए साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो आपका प्रश्न है, जो आपका प्रोफेशन है, आप उसमें जैसा सोचते हैं वैसा आगे बढ़ जाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो जो वीडियो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी जिस प्रश्न को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, उसने कहा कि कोई इस्पात की एक तार है जो कि पहले किस रूप में बनी हुई है? एक वर्ग के रूप में बनी हुई है। ठीक है, प्रश्न वाले ने कहा है कि कोई इस्पात की तार है जो वर्ग के रूप में बनी हुई है। अब इसको मिटाकर इसको एक वृत्त का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो जब जो वृत्त का रूप दिया जाता है, तो उसने हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या दिया गया है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। अब वर्ग के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे? इस वर्ग की भुजा निकालेंगे। जब इस वर्ग का भुजा निकल आएगा, तो हम उसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकल आएगा तो जितना इसका परिमाप होगा उतना ही इस्पात के तार की लंबाई होगी। अब उसी तार से हमने बनाया है वृत्त, तो जितनी तार की लंबाई होगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी, और वृत्त की परिधि से हम प्राप्त करेंगे त्रिज्या को, और त्रिज्या से निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इतना इस प्रश्न में हमें करना है। तो चलिए हम करके देखते हैं। पहले तो हमें दिया क्या गया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया, लिख लिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर कितना निकल के आएगा? 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 11 × 11 करेंगे तब 121 होता है। ठीक है, तो इस वर्ग की भुजा निकल के आ गई 11 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × 8, यानी 4 × भुजा। भुजा की लंबाई हमारी आई 11, तो 4 × 11 11 × 44, तो 44 सेंटीमीटर जो है इस वर्ग का परिमाप हो गया। अब जितना वर्ग का परिमाप है वही क्या है? वही तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है ना, तो जो तार की लंबाई है वही वर्ग का परिमाप है। तो हमने तार की लंबाई निकल के कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। अब इसी तार से बनाया है उसने वृत्त, तो वृत्त की जो परिधि होगी वह भी कितनी होगी? इसी तार की लंबाई के बराबर होगी। वृत्त की परिधि बराबर कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, बराबर हो जाएगा 44। पाई की वैल्यू रख देंगे, 22/7 गुणा हो जाएगा आर बराबर 44। यहां आर बराबर निकालेंगे तो 44 गुणा हो जाएगा 7/2 × 22। काट देंगे 22 × 44, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आर कितना निकल के आएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या निकल आई 7 सेंटीमीटर। अब हमें जब वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहां निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो हमने 2 × 7 को लिख दिया। यहाँ पे हमारा 1 7 इस 1 7 से कट जाएगा, बचेगा 22 × 7। 7 का गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो वृत्त है हमारा, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया
154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने लगाया, पहले हमने जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया था उस वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा प्राप्त की, उस वर्ग की भुजा से वर्ग का परिमाप निकाला, और जो वर्ग का परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, तार की लंबाई के बराबर, और उसी तार से हमने बनाया है वृत्त को, तो जितनी तार की लंबाई होगी उतनी वृत्त की परिधि होगी। यहाँ हमने सॉल्व किया तो हमें इसकी वृत्त की त्रिज्या मिल गई जो कि कितनी आई 7 सेंटीमीटर, और जब त्रिज्या मिल गई तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया तो हमारा आंसर निकल के आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।